अब ये सिंगल विंडो टैक्सेशन का पूरा प्रस्ताव आपको भी मिलेगा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे ये बात आती है तो लोग कहते हैं, अरे ये कैसे हो जाएगा, अरे कैसे हो जाएगा, सुन तो ले भैया। एकदम से कुछ लोगों का काम एक ही है, जो कोई बात आए सबसे पहले विरोध करो, कर ले भैया, हो फड़क निकाल ले। हम तो भैया हरियाणा के अखाड़े वाले भी खूंटा ठोकते हैं, और अब तो दिल्ली में ठोक रहा काम नहीं ठोक। देखो ये चीज करने के लिए सबसे पहले हमें ये तो सिंगल विंडो टैक्सेशन कहो, सिंप्लीफिकेशन और ऑटोमाइजेशन ऑफ टैक्सेशन कहो, कुछ भी बोलो इसको, या एकल एकल जो है कर व्यवस्था कहो, बीटीटी कहो, इसको करने के लिए तीन काम पहले करने पड़ेंगे, उसके बाद एक बात शुरू होती है। सबसे पहले बड़ी करेंसी वापस लेनी पड़ेगी। विकल्प छोड़ोगे संकल्प कमजोर पड़ेगा। जब यू लगे कि ब्याह भी कर सकते और कबारे भी रह सकते और आवारे भी रह सकते, जैसे हमारे देश में कुछ लोग, तो आपके सामने भैया संकल्प तभी रहेगा जब विकल्प नहीं होगा, विकल्प नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव तुम्हारे साथ में खड़ा है सामने, ऐसे कैसा ही खड़ा मिलेगा, कुछ मतलब ही नहीं ना भैया, हमारा ये संकल्प है, इधर से उधर नहीं हो सकते, तो विकल्प नहीं होना चाहिए। विकल्प क्या है, देखो आप लोग तो सब अर्थशास्त्र को समझते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में किन चीजों का प्रयोग होता है। देखो जो बाकी हम लेंगे उन चीजों को भी मैंने लास्ट में रखा हुआ है कि कोई समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो सकती है, कि बार्टर सिस्टम है, पीएन रूट है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, या बिटकॉइन है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, किसी भी न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमी एंड नियर फॉर्म ऑफ मनी, न्यू फॉर्म ऑफ मनी और नियर फॉर्म मनी कोई पैदा हो सकता है क्या? अरे उसको कैसे पैदा हो जाएगा, एक ऐसा प्रधानमंत्री आना चाहिए लव थर थर कांपे कि भाई ये किया ना तो फिर जाएगा ऊपर, गड़बड़ करने वाला कैसे बना सकता है। मजबूत नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेतृत्व नहीं आप इतने समझदार कैसे हो। बात ये है, देखो काम तो ऐसे ही होगा, कुछ लोग कहते हैं ये ऐसे जी वो तो बड़ा खतरनाक आदमी, मन का एक खतरनाक ही चाहिए हिंदुस्तान। देखो चीजों को बदलने के लिए मैं कह रहा था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम, देखो जो गड़बड़ियां हैं उनको तो मैंने कहा ना जो है उसके लिए हमें मैंने पहले भी बोला कि चेक एंड बास तो रखने पड़ेंगे, लेकिन दो चीजों का प्रयोग होता है जो गड़बड़ी था, एक तो गोल्ड और दूसरा करेंसी। पर स्वीडन ने सबसे पहले शुरू की, वहां 2% रह गई, हमारी इकोनॉमी में 94% है, 500,000 के नोट की जो 82% है, 45% और 37%, 500,000 रुपए के नोट, वो सारा आपको हमने आरबीआई के अनुसार पूरा डेटा दिया। भैया तीन काम एक साथ करने पड़ेंगे, पहले बड़े नोट खत्म करो, क्योंकि बड़ी करेंसी से जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो ट्रेसेबल नहीं होते हैं। एक मिनट से बोले बाबा, फिर तो सारे काला धन वाले घोटाले वाले, इसमें तो हमारे कल सीएस भी बैठे हुए थे बोले इसमें तो फिर दाऊद भी पैसा जमा कर देंगे। मैंने कहा कर देंगे, लेके कैसे जाएगा, एक बार आने तो दो ना, जहां भी जाएगा ट्रेसेबल होगा, आज नहीं 500 साल बाद। ये एक डिजिटल टैग तैयार होता है जब आप बैंक में जाते हो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन। अब कुछ हमारे देश में टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है, मैं इसको आगे रखूंगा आपके बीच में। एक बड़ी करेंसी वापस ले रही है और वो है करीब 10,00,000 करोड़ रुपए, बैंक मनी 8,00,000 करोड़, वो है 10,00,000 करोड़। दूसरा मेरे कहा हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड टैक्सेशन सिस्टम अच्छा होगा तो 9,00,000 करोड़ रुपए तो हमारा सरप्लस मनी पड़ा होगा। कितना हो गया भैया, 10,00,000 करोड़, 8,00,000 करोड़, 9,00,000 करोड़ जोड़ दो, 27,00,000 करोड़ रुपए। सोना थोड़ा बहुत वापस नहीं आएगा क्या, कुछ इधर उधर से, और ये इतने बढ़िया सिस्टम हो जाएगा तो सारी दुनिया निवेश करना चाहेगी। मैं कहता हूं इस चीज को प्रामाणिकता से शुरू कीजिए, हिंदुस्तान का बैंक मनी कम से कम 50,00,000 करोड़ रुपए होगा, 8,00,000 करोड़ नहीं 50,00,000 करोड़ रुपए होगा। एक चीज को शुरुआत आपको क्रांतिकारी ढंग से करनी पड़ेगी, हौसला देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अभी जैसे बात कर रहे थे कि सांझ घटते ढलते ढलते तो एक नया सर्कुलर आ जाता है, अभी टैक्स घुस गया दूसरे दिन बाद कुछ हो जाता है, आपके ऊपर 10% था जिसका प्रभाव था, कुछ बड़े बैठे हुए इधर उधर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो 10 से 2% करा लेते हैं, किसी को बेचारा साधारण उसका 10 से 20 हो जाता है, ये नहीं चलेगा। एक लोगों को भरोसा, मतलब ये जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं करेंगे, तो एक व्यवस्था होगी। तो पहले बड़े नोट वापस लो,
दूसरा गोल्ड को वापस कैसे देंगे लोग? अरे भैया गोल्ड को छिपाने में कितनी दिक्कत होती है, लोग घर में छिपा के रखते हैं, तो बाहर भी कहीं शादी में भी जाते हैं तो कहते हैं अरे भैया इतने ताले लगा के जाओ, एक गार्ड छोड़ के जाओ, घर छोड़ के जाने में दिक्कत, घर में रखा। बैंक में लोकर में छिपा के रखते हैं, बैंक में लूट हो जाए तो उसका कुछ हिसाब किताब नहीं मांग सकते। लोगों को अच्छी व्यवस्था नहीं मिलती इसलिए चोरी चकाई में रहते हैं। कोई आदमी चोर नहीं कहलाना पसंद करता, तो गोल्ड को वापस चुरी ले सकते। मैंने कहा इच्छा शक्ति सबसे बड़ी बात है, वातावरण बनना चाहिए, देश में एक आशा बननी चाहिए। दूसरा तीसरा काम क्या होगा? लोग कहते हैं ये बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स जो है ये कैसे फिजिबल होगा, हमारे देश के अंदर 1,10,000 बैंक की शाखाएं हैं, हमारे 5,00,000 गांव हैं, कहने को 6,38,365 है, 1,00,000 तो उसमें गायब भी कर दिए। अब जो है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंडो जोड़ा, ईंट पत्थर की जरूरत नहीं है। बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स लागू करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम पर जाना पड़ेगा, एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है ये, मैं तो 5-6 महीने की बात की, 1 महीने में हो सकता है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इक्विपमेंट से सारी दुनिया चल रही है आज, कितना मैं पूरा बाद में लिखा हुआ है, बैंक की शाखा का आगे छोड़ो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड मोबाइल कनेक्शन, देश में जो है कुल मिला करके जो है ये पूरी व्यवस्था करीब 75,00,000 मोबाइल चालू हालात में, 75 करोड़ माफ करो 75 करोड़ मोबाइल, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करीब 40 करोड़ लोगों के पास। कुछ लोग बोले बाबा जी तो 60 करोड़ लोगों के पास में ये बैंक खाते नहीं है, क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं है। अरे अमेरिका भैया उनके पास पैसे ही कहाँ है, उनके पास जो है वो नहीं है, अरे उनके पास पैसे नहीं, उनके पहले पैसे तो बाद में अकाउंट खोल लेंगे अपने आप, मतलब ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर में अब तो बहुत सिंप्लीफाइड हो गई चीजें, आप मोबाइल से सारे अपने काम कर सकते हो, मोबाइल तो है ना सबके पास। अरे वो क्या बोल रही, बटन दबाना जानते, बाद में एक मशीन लेनी पड़ेगी, ठीक है उसके सामने लिया, ठीक है हो गया काम छोटे। इतना ज्यादा हम जो है आदम के जमाने की बात सोच रहे हैं और आ रहे 21वीं शताब्दी में। बोल बाबा आप तो बड़े मॉडर्न हो गए, यार देखो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चलती थी, वैयक्तिक जीवन में तब सार्वजनिक जीवन में वैभव, टैक्सेशन कम से कम, ये हमारे देश का आर्थिक दर्शन था। खैर ये तीन काम, माने बड़े नोट वापस लो, गोल्ड को भी वापस लेने की एक नीति बना दो, लोग देखो बड़ी करेंसी तो तुरंत वापस ले सकते, उसमें कोई एक व्यवस्था बना सकते, पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सामान्य एक ऐसी सरल व्यवस्था बनाइए। गोल्ड भी 150,00,000 करोड़ रुपए का गोल्ड है अपने देश में, थोड़ा नहीं है, अरे उसमें 25,00,000 करोड़ का तो वापस आएगा, मैं क्या कह रहा हूँ 100% आ जाएगा, तो भी देश की इकोनॉमी अपने देश के तंत्र से हम 150,00,000 करोड़ की 50,00,000 करोड़ की तुरंत शुरू कर सकते हैं, और फिर उसका साइज ऑफ इकोनॉमी क्या होगा, साइज ऑफ इकोनॉमी होगा कम से कम जो है आप 2,000,00,000 करोड़ रुपए ट्रांजेक्शन के रूप में, और फिर उससे कलेक्शन कितना होगा आप काउंट कर लीजिए, आज यदि 2,00,000 करोड़ का रोज ट्रांजेक्शन हो रहा है तो 10,00,000 करोड़ का होगा जब आप का बैंक बनी बढ़ेगा, 10,00,000 करोड़ का, यदि 0.1% से लेकर के 1, 2, 3, 5 मैंने स्लैब की बात की क्योंकि वो जरूरी नहीं, तो फाइनेंशियल जो हमारे सेक्टर्स हैं वो तमाम दूसरी चीजों वो हमारी ध्वस्त हो जाएगी। खैर 0.1 से लेकर के 1% हम एवरेज माने तो भी हम 30,00,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का रेवेन्यू जुटा सकते हैं, डेफिसिट से गवर्नमेंट बाहर आ जाएगी, कहां डेफिसिट है हमारे देश में। मैं तो पूरी लगभग दुनिया देखी, अमेरिका में करीब 30 करोड़ लोगों की जितनी इनकम है ना होती है, हमारे देश में 30 करोड़ लोगों की इनकम है, ये अलग बात है कि 80 करोड़ लोग हमारे अच्छी हालात में नहीं है, वो एक दूसरा प्रश्न है, कहां हम कमजोर हैं, हम अमीर देश के गरीब लोग हैं, देश की हालात को ठीक करना पड़ेगा। बीटीटी के प्रस्ताव का शुरू, कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता ये देने पर लगेगा लेने पर लगेगा, मैंने देखा पिछले दिन टीम में बैठे आते ही फायरिंग करना शुरू कर देते, मैंने कहा भैया पहले पोजीशन ले लो, कहीं ये देखो ना फायरिंग किधर कर रहे हो, किस पर कर रहे हो भैया, ये रिसीविंग अमाउंट पर लगेगा, पेमेंट पर नहीं लगेगा, आदमी जब प्राप्त करता है तो ऐसे फोकट में तो नहीं मिलता किसी को पैसा, एक सिस्टम से आएगा तो रिसीविंग अमाउंट पर लगेगा। दूसरी बात ये है कि बीटीटी एक जैसा नहीं होगा, एक जैसा देखो, एक जैसा कि गरीब के साथ अमीर के साथ नौकर के साथ मालिक के साथ सबके साथ एक जैसा तो हो ही नहीं सकता, फिर ये इक्विटेबल कैसे हो सकता है, जस्टिफिकेबल कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, इसलिए जो है इसके लिए हमें 5-10 अलग अलग स्लैब बना दो भैया, डिफरेंट सेक्टर जो भी इकोनॉमिक हमारे सेक्टर्स है उसके अनुसार बनाया जा सकता है, गरीब मजदूर पर उसको 5-10,000 रुपए का एक स्लैब बना दीजिए कि वो कैश में कर सकता है,
और उतनी तो जरूरत भी पड़ती है, कभी आदमी को हॉस्पिटल में जाना पड़ गया और कोई इमरजेंसी में, तो उतना तो रखे रहे ना, हम तो 500,000 के वापस ले रहे, फिर भी 2,00,000 रुपए तो हमारी जो है इकोनॉमी में कैसे रहेगा ना। और मैंने कहा स्वीडन में आज 2% कैश, 2% ही, आपने बोला ब्लैक मनी, आपने सुना भी जो है प्रोफेसर कुमार, 2% कैश है खाली, बाकी खत्म कर दी, क्यों नहीं कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आज हम जा सकते हैं। ये प्रस्ताव में 25 साल पहले लगता रखता तो अव्यवहारिक होता है लॉजिकली, और ये फिजिबल ही नहीं होता, तो ये आज है, तो आज हम इस चीज को रख सकते हैं। तो और टैक्सेशन के सिंप्लीफिकेशन और ऑटोमाइजेशन में जब कोई इलीगल किसी भी तरह का कोई स्वरूप खड़ा नहीं हो सकता, मैंने कहा उसके लिए जो है चेक एंड बैलेंस, या अभी मैं दो लोगों की बात करता हूं, लोग कहते हैं ये चीज लागू कर दी तो टैक्सेशन अधिकारियों का क्या होगा, अरे वो बैठ करके चेक करेंगे ना भाई किसके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, क्या फैक्ट्री है, क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो सारा ऑटोमेटिक हो गया ना। आप अपने ऑफिस में बैठ करके सारा कंप्यूटर दी थी, जो छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कर लीजिए, कोई बोला जी बिल काटा जो है वो गेहूं का और भेज दिया उसमें बंदूक, मैंने कहा भैया ऐसे आज कैसे रोक रहे हो, आज भी तो चेक एंड बात तो हम रखते हैं, तो जो है वो जो टैक्सेशन अधिकारी है वो चेक एंड वाच का काम करेंगे उनके ऑफिसों में बैठ करके, बैंक ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, क्या बिजनेस चल रहा है, सब कुछ हो जाएगा, कोई ऐसी लंबी छोड़ी बात नहीं। अब जो बात जो है कही वो यहाँ पर रखी गई कि भाई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करेंगे, अभी आप लोग क्या कर रहे हैं अभी आप लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड जो है रिटर्न तैयार कर रहे हो इधर से उधर, आप लोगों का भी दिमाग खराब, बहुत से सीएस को असमा हो रखा है 10-15 साल पुरानी फाइलों की जो है धूल फांकते रहते इस कॉम्प्लिकेट चीज, अरे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी, 2,00,000 नहीं 10,00,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट को रोजगार मिलेगा, इसमें कौन सा प्रश्न है, बात नहीं। अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो आदमी का इतना, जिस आदमी का बहुत तेज दिमाग होता है, तो बीच में थोड़ा सा आप लोगों की जरूरत थी इसलिए थोड़ा पास आउट ज्यादा कर दिया जिसमें बहुत तेज दिमाग होता है वो सीए बनता है, जो ये समझो हिंदुस्तान के जो कौन सा मंत्री होता है पैसे वाला, फाइनेंस मिनिस्टर का दिमाग के ऊपर दिमाग जिसका वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाकी दूसरों की तो मैं बात करता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट वो तो गुरुओं का गुरु है, इतना तेज दिमाग होता, सामान्य बच्चा चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, बात कठिन परीक्षा से गुजरना, इतना तेज दिमाग वाला, उसको फाइल में लगा रखा कि ये बता, जैसे कर सबसे पहले पूछते टैक्स कैसे बता सकते, चोरी करने का लाइसेंस देने के लिए बैठे हैं, लाइन पे आएगा ठीक से, जो बिजनेस कर रहा ठीक से कर, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट करो, इतने ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम ठीक से अपनी अर्थव्यवस्था को 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं, मैं कैसे कह रहा हूं 9 करोड़, मैं कह रहा हूं 20 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग से अलावा, हमारे पास में एग्रीकल्चर से लेकर के वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, तमाम हमारे देश के इतने सेक्टर खाली पड़े हुए और लोग बैठे बैठे ताश खेल रहे, ये न्यायालय पे देला, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, देश के लोगों को काम नहीं भैया, उनको आप लोग जो है प्लानिंग बनाइए, आगे देश कैसे डेवलपमेंट होगा उसकी योजना बनाइए, खाली हेरा फेरी करने के लिए सीएम बने हो गया, तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाएंगे, आप लोगों के पास में बहुत काम है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग और हिसाब किताब तो रखना पड़ेगा भैया, और हिसाब किताब रखना सामान्य बुद्धि का काम नहीं है, और मेरे से बोल रहे थे ये बैठे लगोटिया बोल बाबा जी को क्या था हिसाब किताब, मैं तो पूरे पॉलिटिशियन का हिसाब किताब रखता हूं